हेलो एवरीवन, नमस्कार। आदि आदि एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कई दिनों से यार मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई, तो मैंने सोचा कि आज एक ब्लॉग डाला जाए। बहुत टाइम हो गया और मुझे कुछ एक टॉपिक भी समझ में नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। सो फाइनली आज मैं एक ब्लॉग लेके आई हूँ आपके लिए, और यहाँ पर मैं कुछ खास बातें करने वाली हूँ। बट आप लोग कंजूसी कर रहे हो ना शेयर करने में, तो इस जो ब्लॉग है इस ब्लॉग को जरूर शेयर करें। और जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देती हूँ, मेरा नाम है दीप्ति राजपूत और मैं यहाँ पर अपने पर्सनल ब्लॉग शेयर करती हूँ, ठीक है। तो जो भी न्यू यूज़र है एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं कि आज मैं इस ब्लॉग में क्या आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक है हमारा कि व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सक्सेस का सीक्रेट क्या है, एंड मैंने किस तरीके से इतने सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर किए, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। बहुत सारे एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किए, राइट। तो वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी, और मुझे लगा शायद ये बेहतरीन टॉपिक हो सकता है बिकॉज इट्स हाई टाइम, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या होगा कि एग्ज़ाम डेट्स भी आनी शुरू हो जाएंगी। इलेक्शन तो है ही, लेकिन बाद में एग्ज़ाम डेट्स भी आ ही जाएंगी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग बनाया जाए, जिसमें मैं आपको बताऊँ कि आप किस तरीके से आप भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, और एंड एक ऑन एन एवरेज स्टूडेंट किस तरीके से एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है, ठीक है। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपने जो भी एग्ज़ाम टारगेट किया है, सबसे पहले उसका सिलेबस आपको क्लियर होना चाहिए, और सिलेबस सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है वेटेज। वेटेज कितना है क्वेश्चन का, कि किसी भी सब्जेक्ट का किसी टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन बन रहा है। तो दूसरी चीज़ ये एनालिसिस करना एक स्टूडेंट के लिए बेहद ज़रूरी होता है। कई बार स्टूडेंट पढ़ना शुरू कर देते हैं, सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, बट उसके बावजूद भी उन्हें आइडिया ही नहीं लग पाता है कि यार कहीं तो कोई कमी आ रही है। तो एक तो ये चीज़ है कि आप एनालिसिस ज़रूर करें जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा ये कि एवरेज स्टूडेंट किस तरीके से एग्ज़ाम को क्लियर करेगा। तो एवरेज स्टूडेंट को ज़रूरत होती है ज़्यादा मेहनत की, ठीक है। और वो ज़्यादा मेहनत कैसे होगी, वो ज़्यादा मेहनत होती है प्रैक्टिस से। बट ये प्रैक्टिस कब शुरू करनी चाहिए, व्हाट इज़ द राइट टाइम, राइट टाइम क्या है प्रैक्टिस करने के लिए। तो अगर जैसे ही आप कोई भी बैच परचेज करते हैं उसके हार्डली वन मंथ के बाद आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। कम नंबर आए ज़्यादा आए डजेंट मैटर, शुरुआत होगी कम नंबर से, लेकिन उससे प्रैक्टिस करते करते आप एक बहुत अच्छे नंबर तक पहुँच जाओगे। बट वही है कि आपको रेगुलर रहना होगा। बाकी मैंने किस तरीके से किया, भाई मैंने जो किया, मैंने पहले इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर किया। उसके बाद मैंने बीच में ही, यानी कि वही मेरा 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया था, तो उसके बाद फिर मैंने मॉक टेस्ट लगाना शुरू किया। और मॉक टेस्ट लगाते हुए बाकी में बहुत इम्प्रूवमेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। और कभी कभी एक टाइम फेज ऐसा भी आएगा जहाँ पर आपको लगेगा अरे यार स्टक हो गई, यहाँ से तो ग्राफ बढ़ ही नहीं रहा है। तो ऐसे टाइम पे फिर बारी आती है उन पे काम करने की जिनकी वजह से वो जो ग्राफ है स्टक हो रहा है, तो उन वीक पॉइंट्स पे काम करना शुरू करें। मैंने भी किया था, आप भी वैसे ही कर सकते हैं। और मैंने कैसे एक बार में ही एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया, एक तो हमारे बेसिक क्लियर होने चाहिए, दूसरा ज़रूरी होते कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, तीसरा हमें ट्रिक्स भी आनी चाहिए, चौथा कि हमें जो करेंट अपडेट है उससे हमें अप टू डेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में कैसा चल रहा है ये चीज़ें जानना भी आपको बेहद ज़रूरी होती हैं। तो इसीलिए टीचर्स के कांटेक्ट में बने रहिए और न्यू बुक्स लेके आते रहिए, प्रैक्टिस सेट लेके आइए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो। क्योंकि आज का टाइम पूरा डिजिटल हो चुका है, तो आपके पास दोनों प्रकार की टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। हम उस टाइम पर भी ऑफलाइन भी करते थे, ऑनलाइन भी करते थे। तो ये प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे और रेगुलरिटी के साथ करेंगे, तो डेफिनेटली आप भी एग्ज़ाम में इस बार सफल जरूर होंगे। तो एक बार आप ट्राई कीजिए, पहले सिलेबस, दोबारा से मैं बताती हूँ, पहले सिलेबस देखना है, फिर एग्ज़ाम का क्वेश्चन का एनालिसिस करना है, तीसरा आपका जितना भी टॉपिक कंप्लीट होता है किसी टीचर की गाइड से उसको कंप्लीट करने के बाद एक मॉक टेस्ट लगाना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है। फिर जब आपका एक ऑन एन एवरेज एक मार्क्स बार बार वही आने लगे, तो उसके बाद वीक पॉइंट्स पे काम करना है। फिर आपको जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि यस यू कैन क्लियर द एग्ज़ाम, ठीक है।
थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग मी, बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और इस ब्लॉग को जरूर शेयर करिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और साथ ही साथ आज का जो ये ब्लॉग है मैं इसको यहीं पर ओवर कर रही हूँ, बाकी नेक्स्ट टॉपिक आप मुझे जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है? सो थैंक यू एवरीवन, बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।